हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आज के मास वीडियो में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए सबसे जरूरी है थंबनेल। तो आज हम आपको इस वीडियो में थंबनेल बनाना सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने वीडियो में। ये देखिए हमारा एडिटर ओपन हो गया है। इसमें हमें थंबनेल बनाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें साइज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमें इमेज साइज पे जाना है, उसके बाद कस्टम पे जाना है और यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम कोई अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो कलर आ रहा है, यहाँ से कोई भी हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी फ़ोटो डालेंगे हम। तो यहाँ पे इम्पोर्ट पे आके अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे कोई गैलरी से। ये देखिए मैंने जैसे कि ये फ़ोटो सेलेक्ट किया है। इसको यहाँ पे साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें थोड़ी एडिटिंग करेंगे। स्ट्रोक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा शेडो डालेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद में क्या करना है, सेव ले लेना है और इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। अब क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको रोटेट करेंगे थोड़ा। ये देखिए आप रोटेट करेंगे यहाँ से। देखिए जैसे कि मैंने इसका -4 रोटेट कर दिया इसको। इसके बाद क्या करेंगे, इस पर इसको टू बैक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा फोटो ऊपर आएगा। ये देखिए पीछे पहुंच गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ तक रखेंगे ऐसा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी मतलब जो भी लिखना है थंबनेल में, जो कुछ भी वो लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखिए टेक्स्ट बजाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एडिट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको, और इसके बाद इसमें कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम कोई। ये देखिए यहाँ पे इतना कलर सेलेक्ट अलग करेंगे पहले हम। यहाँ पे हम कोई कलर डाल रहे हैं अभी, मैंने ये कलर ले लिया इतना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, इसका 100 कर दिया इसका साइज। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा रोटेट करेंगे। जितना वो रोटेट किया मैंने सेप, उतना इसको भी करेंगे -4 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे। यहाँ से हम बोल्ड कर दिया और यहाँ से थोड़ा रोटेट कर दिया, थोड़ा मतलब आई को। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं और यहाँ पे नीचे लिखेंगे और इसी को कॉपी कर देंगे। इससे क्या हो, साइज दोबारा से सिलेक्ट नहीं करना होगा हमें। देखिए और यहाँ पे हम दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कलर डाल दिया है यहाँ पे। ये और यहाँ पे हम और लिखेंगे भी, कॉपी करके दोबारा से एडिट करेंगे। ये देखिए अब इसका भी कलर थोड़ा डिफरेंट करेंगे थोड़ा। इसके लिए मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है और इसको थोड़ा इसमें एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा स्टिकर वगैरह डालना है। यहाँ पे हम यूट्यूब का स्टिकर सेलेक्ट कर लेंगे अपने मोबाइल से। ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं।
ये देखिए हमने स्टिकर ले लिया है और इसका साइज थोड़ा हल्का करेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा 3D करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने अब यहाँ से दोबारा से इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे कि देखिए ऐसे करके। अब यहाँ पे कोई और भी स्टिकर डाल देंगे कोई। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है इसके बाद क्या करेंगे इसको थोड़ा शेडो करेंगे। ये देखिए शेडो, ये देखिए इसको शेडो हो गया इस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ी और टेस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा और स्टिकर डालेंगे। तो यहाँ से हम स्टिकर सेलेक्ट कर लेंगे इंपोर्ट पे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब ये क्या है, ये इस ऐप का नाम है जिससे हम इसको एडिटिंग कर रहे हैं अभी। यहाँ पे हम इस पर इसका नाम भी डालेंगे अभी। ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। इस ऐप का नाम है पिक्सल लैब और आप इस ऐप को प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपको इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहां से इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको एडिट कर रहे हैं, स्ट्रोक देंगे थोड़ा, शैडो देंगे थोड़ा, उसके बाद इसका कलर यही रहने दो और आप जितना चाहें उतना कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा थंबनेल बनके तैयार हो गया है और आप इस ऐप के ज़रिए बहुत ही अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। और इसमें क्या है, थंबनेल बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर हम और भी ज़्यादा इसमें बनाएंगे तो क्या और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इसमें एडिटिंग करना तो आप जान ही गए होंगे, तो इसमें कैसे एडिटिंग करते हैं। और ये बहुत ही बिल्कुल फ्री ऐप है। अब इसको सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सेव जाना है और सेव एज इमेज पे जाना है, उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है।